हेलो फ्रेंड, वेलकम टू चाइल्ड्रन स्कूल। स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन स्टडी में भी। इस वीडियो में हम देख रहे थे रियल नंबर्स, ओके। और रियल नंबर्स का ये लास्ट क्वेश्चन है, और आई होप आपने पहले वाली वीडियो जरूर देखी हुई, नहीं देखी है तो प्लीज जाकर जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का लास्ट, मतलब हमारा जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड है, उसका फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीन पार्ट है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको देख रहा है। आपको बताना है कि 1/√2 जो है वो इरेशनल है या नहीं, ओके। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं। लेट करना होता है, लेट अस एज्यूम, ओके, 1/√2 इज रैशनल नंबर, ओके। हमें ये एज्यूम करना होता है कि जो भी हमारी नंबर हमें दिया गया है वो क्या है, रैशनल नंबर, ओके। अब अगर वो रैशनल नंबर है तो वो किस फॉर्म में होगा, PYQ की फॉर्म में होगा। किसमें होगा, PYQ की फॉर्म में होगा, ओके। और PYQ क्या है, यहां पर P एंड Q आर को प्राइम, क्या है ये, को प्राइम नंबर है। क्या है भाई, को प्राइम नंबर। इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहां पर आएगा आपका Q और यहां पर आएगा P√2, ओके। अब आप क्या करिए, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्यू ऊपर पहुंच जाएगा, पी यहां पर आ जाएगा, यहां पर आएगा √2, ओके। अब इस प्रकार कुछ फॉर्म बन गया है आपके पास। अब एक चीज सोचिएगा, मुझे मैंने एक आपको आइडेंटिटी बताई थी, एक चीज बताई थी सिंपल सी, कि रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं होते। सुनिएगा, फिर से सुनिएगा, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं होते हैं। तो यहां पर हम एक चीज लिखेंगे, P एंड Q आर इंटीजर्स, ओके। क्या है, इंटीजर्स। P एंड Q अगर इंटीजर्स हैं तो कैसे होंगे, रैशनल नंबर होंगे। कैसे होंगे, रैशनल नंबर होंगे। और हम एक और चीज जानते हैं, वी नो दैट √2 इज इरेशनल। इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि √2 ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं कि वो क्या होता है, इरेशनल होता है। तो हम एक चीज सुनिएगा मेरी बात, ये जो चीज है, यानी कि हमने बोला था पहले, ऊपर क्या बोला था हमने, कि 1/√2 क्या है, रैशनल नंबर है। क्या रैशनल नंबर है, लेकिन अगर हम एक चीज देखते हैं, हमने इसको थोड़ा सॉल्व किया, ओके, और PYQ क्या है, एक्चुअल में इंटीजर है। इंटीजर क्या होता है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर इंटीजर, रैशनल नंबर क्या है, PYQ की फॉर्म में दिया और उसके इक्वल में दिया है √2। क्या दिया है, √2। लेकिन हमें ऑलरेडी पता है कि √2 जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है। अब कभी भी रैशनल और इरेशनल इक्वल नहीं होते हैं, ओके। अगर ऐसी बात है, रैशनल और इरेशनल इक्वल नहीं होंगे, तो जो हमने ऊपर माना था, यहां पर जो माना था हमने 1/√2 रैशनल नंबर है, ये तो हमारा जो है एजम्पशन गलत हो गया। जब ये ऐसी बात आती है कि हमारा एजम्पशन गलत हो जाता है, तो हम लिखते हैं दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज रॉन्ग बिकॉज ऑफ आवर दिस कॉन्ट्रोडिक्शन इज अराइजिंग, ओके, इज अराइजिंग लिख लेंगे, अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। हमने जो अजम्पशन किया था वो गलत किया था, जिसके वजह से हमारा क्या आया कि ये जो अजम्पशन है वो गलत हो गया और कॉन्ट्राडिक्शन हो गया इसमें, कि भी हमने बोला था कैसा है लेकिन वो निकला नहीं, ओके। यानी हमने बोला था रैशनल लेकिन वो निकला नहीं रैशनल, तो रैशनल नहीं निकला, तो हमें बताना होगा कि 1/√2 देयरफॉर 1/√2 इज इरेशनल। क्या लिखेंगे, इरेशनल, ओके। बस ये इरेशनल निकलेगा और इसको आप अच्छे से सजा दीजिए, क्वेश्चन जो है हमारा यहीं पर समाप्त हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इसका।
तो देखिए यहां पर आप देखिएगा सेम एज इट इज क्वेश्चन है, तो हम यहां पर लेट कर लेते हैं, ब्लैक पेन ही लेंगे भाई। ओके एक सेकेंड, देखिए हमने लेट कर लिया, लेट एस एज्यूम दैट 7√5 इज रैशनल। क्या मान लिया हमने? रैशनल। ये चीज जो है लाइन बिल्कुल फिक्स्ड आ रही है, ध्यान रखिएगा, हर बार फिक्स हो रही है। ओके तो जी ध्यान रखिएगा। ओके अगर रैशनल है तो ये किस में होगा? पी वाई क्यू के फॉर्म में होगा। वेयर पी वाई क्यू क्या है? पी एंड क्यू आर को प्राइम। क्या है? को प्राइम है। ओके ये को प्राइम है। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल इसको सॉल्व कर लीजिए। जब सॉल्व करेंगे तो आप एक चीज देखेंगे कि रूट वाली संख्या, आप देखिएगा ये रूट फाइव एज इट इज यहीं पर रहने दीजिए, ठीक है, और पी वाई यहां पर 7 क्यू आएगा। क्या आएगा? क्यू आएगा। अब एक चीज मुझे ये बताइएगा, अगर पी वाई क्यू, सॉरी आपको यहां पर क्यू आएगा, पी वाई क्यू क्या है? पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। क्या है ये? अगर ये इंटीजर्स हैं, ये पूरी संख्या जो होगी, ये वाली पूरी संख्या, वो क्या होगी? रैशनल होगी। क्या होगी ये वाली संख्या? क्या होगी? रैशनल होगी। अगर ये रैशनल है तो हमें पता है रैशनल क्या होता है और रैशनल कैसी संख्या होती है। अब इरैशनल जो संख्या है वो बाहर नहीं आ रही, फाइव जो है वो इरैशनल है, ऑलरेडी हमने सॉल्व कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? सॉल्व कर चुके हैं। तो हम यहां पर लिख सकते हैं पी सेवन वाई क्यू इज रेशनल नंबर। क्या लिख सकते हैं? रैशनल। ओके अगर ये रैशनल है और हमें पता है, वी नो दैट रूट फाइव इज इरैशनल। क्या है? इरैशनल है। रूट फाइव क्या है? इरैशनल है। तो हम लिख सकते हैं सेम यही लाइन लिखेंगे, यहां पर यही लाइन लिखेंगे और नीचे लिख देंगे कि आपका जो भी हमारा 7√5 इज इरैशनल। क्या लिखेंगे? इरैशनल, ठीक है। ओके ये सेम यहां पर जो लिखिए, दिस कॉन्ट्रोडिक्शन इज अराइजिंग आवर रॉन्ग एजम्पशन। उसके बाद जस्ट हम ये लिखेंगे 7√5 इज इरैशनल। ओके लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन है 6+√2। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का कुछ पार्ट नंबर थर्ड है और लास्ट क्वेश्चन ही है आपका। ओके यहां पर हमें कुछ नहीं करना है, लेट कर लेना है। लेट एज एज्यूम दैट 6+√2 इज रेशनल। क्या हमने लेट किया है? रैशनल लेट किया है। अगर हम 6+√2 को रैशनल लेट करेंगे तो ये पी वाई क्यू की फॉर्म में आएगा। किस में आएगा? पी वाई क्यू की फॉर्म में आएगा। बियर पी एंड क्यू आर को प्राइम। क्या होंगे? को प्राइम नंबर होंगे। क्या होंगे? को प्राइम नंबर होंगे। ओके अगर ये को प्राइम नंबर है, अभी पहले इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो रूट टू यहां पर आएगा, पी बाई क्यू माइनस 6 यहां पर आ जाएगा। इसको और भी फर्दर सॉल्व करेंगे, पी यहां पर पी माइनस क्यू 6। ओके यहां पर आएगा आपका क्यू, ठीक है, ये आ गया रूट टू। ओके अब यहां पर देखिएगा एक चीज, अब यहां पर आपको पता है पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। क्या है? इंटीजर्स। अगर इंटीजर्स हैं तो हम लिख सकते हैं सिंस जो भी आपकी संख्या है, जो टोटल होल जो संख्या है, यानी कि आपका p माइनस क्यू 6/q जो है वो कैसी होगी? इज रैशनल। कैसी होगी? रैशनल होगी। ओके ये कैसी संख्या निकलेगी आपकी? रैशनल संख्या निकलेगी। अगर ये रैशनल है लेकिन हमें पता है कि जो रूट टू है, वी नो दैट रूट टू इज इरैशनल। क्या है? रूट टू क्या है? इरैशनल है। अगर रूट टू इरैशनल है तो वो इक्वल नहीं हो सकती रैशनल के।
अगर रूट टू रैशनल है तो वह इरैशनल के इक्वल में नहीं हो सकती। ओके, क्या नहीं हो सकती? इक्वल में इसके रैशनल और इरैशनल इक्वल नहीं हो सकते। अगर रैशनल और इरैशनल इक्वल नहीं हो सकते तो जो हमने माना था, जो हमने अलर्ट किया था, 6+√2 क्या है? रैशनल नंबर है, तो वो हमारा गलत हो गया। वो क्या निकलेगा? इरैशनल नंबर निकलेगा। तो हम यहां पर लिखेंगे यहां पर दिस कॉन्ट्राडिक्शन लिख लीजिए, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। ठीक है, ये हो गया। ये कॉन्ट्राडिक्शन हमारा क्या है? रॉन्ग निकला है। तो हम बोल सकते हैं यहां पर, वी कैन से दैट देयरफॉर 6+√2 इज इरैशनल। ठीक है, तो आई होप ये चैप्टर जो है आपको बहुत ही हेल्पफुल लगा हुआ ये वीडियो है। इस चैप्टर में हमने जो भी क्वेश्चंस करे हैं, जो भी सारी चीजें करी हैं, बहुत डिटेल में समझाया है। और ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन रटाए हैं, क्वेश्चंस के स्टेप्स क्या होंगे, क्वेश्चन करने कैसे हैं, वो हमने आपको समझाया। ओके, तो आई होप अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऑनलाइन हिस्ट्री और चाइल्ड जन स्कूल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, आप कॉलर्स में रहते हैं, शिवपुरी मध्य प्रदेश में रहते हैं, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे। आप जो हमारे स्कूल के साथ में जुड़कर पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन हिस्ट्री पर पढ़ सकते हैं। ओके, और एक और चीज है कि अगला जो चैप्टर आएगा उसके लिए पढ़ने के लिए बिल्कुल हम जो है कल जो है आपको एक थ्योरेटिकल क्लास में आपको कराऊंगा। उस थ्योरेटिकल क्लास में आपको बहुत अच्छे से समझना है कि क्या हो रहा है। सेकेंड, उसके बाद में हम क्लास को करते हैं। देखिए, ऐसा नहीं कि मैं एक साथ जो है सारी चीजें आपको बता देता हूँ एक ही क्लास में, नहीं, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जैसे ही आपको अच्छा लगे कि भैया अगर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो आप लास्ट की 2-3 वीडियो देख ली तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको स्टार्टिंग से बेसिक से अच्छे नंबर लाने हैं तो बिल्कुल आप पूरी क्लासेस जो है देख सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए धन्यवाद। थैंक यू।